हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 जो सालू मराड़ा थी मक्का का। हम लोग लेसन डिस्कस कर चुके हैं, आज उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक भी ओपन कर सकते हो या मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग अपना अटेंशन फोकस कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, व्हाट डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग डू यू गेट इन द पैसेज। मतलब पैसेज में जो आपको लेसन दिया गया है, जो लेसन आप पढ़े हो, जो चैप्टर आप पढ़े हो, उसका आपको क्या डिटेल्स मिला है सालू मराड़ा थी मक्का के बारे में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा सर्कल में सालू मराड़ा थी मक्का का पिक्चर दिया हुआ है। उसके बाद में छोटा छोटा 3 सर्कल है, उसमें उसके चाइल्डहुड, मैरिज एंड फैमिली लाइफ और ऑक्यूपेशन। मतलब ये 3 टॉपिक के बारे में आप क्या क्या जानते हो वो दो दो लाइन में आपको लिखना है। जैसे चाइल्डहुड के बारे में आपको क्या पता है, सी डिड नॉट गो टू स्कूल, है ना। वो जब छोटी थी तो स्कूल नहीं गई थी, है ना, टू गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन। जैसे आप लोग स्कूल आते हो ना, तो जब स्कूल आते हैं तो हम लोग एक्चुअली एजुकेटेड कहलाते हैं ना, तो फॉर्मल एजुकेशन हम लोग को मिलता है। वैसे सालू मराड़ा थी मक्का एजुकेटेड नहीं थी, वो इलिटरेट थी, ठीक है, क्योंकि वो बचपन में स्कूल नहीं गई थी। और क्या की थी बचपन में, चाइल्डहुड में उसका, वो कहाँ काम करती थी आपको पता होगा, वर्क इन ए क्वेरी, है ना, क्वेरी यानी खदान में वो काम करती थी। तो आप लोग इसमें ऐसे करके 2 सेंटेंस लिख सकते हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप अपना कॉपी ओपन कीजिए और नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला लाइन में आप लोग लिखोगे, सी डिड नॉट गो टू स्कूल एंड गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन। एंड सेकेंड में आप लिख सकते हो, सी वर्कड एज ए लेबरर इन ए क्वारी। ओके, नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली लाइफ। मतलब वो किससे मैरिज की थी, उसकी विवाह जो है, उसका मैरिज जो है वो किससे हुई थी, उसको भी आप लिखोगे। एंड उसका फैमिली लाइफ, मतलब उसके बच्चे थे क्या, उसको भी आप लिख सकते हो इसमें ऐसे 2 लाइन। ओके, तो आप लोग लिखोगे, सी वॉज मैरिड टू ए कैटल हर्डरर, है ना, उसका क्या नाम है आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जिसको मैरिज की थी वो क्या था, एक कैटल हर्डरर था, है ना, चरवाहा था। और नेक्स्ट में आप लोग लिख सकते हो, दे वांटेड चिल्ड्रेन बट वे आर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देअर मैरिड लाइफ। विवाह के 25 वर्ष के बाद भी, 25 साल बाद भी उसके कोई बच्चे नहीं हुए, ठीक है, वो बच्चा पाने में अक्षम थे। तो ये आपको डिटेल्स पता चलता है, है ना। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आप लोग क्या लिखोगे, वो क्या करती थी, सी वर्कड एज ए लेबरर, है ना, वो काम करती थी ना क्वारे में, ठीक है, और वो बहुत सोशल एक्टिविटीज भी की थी, है ना। जैसे आप लिख सकते हो, सी डिड वेरियस सोशल एक्टिविटीज, सी प्लांटेड वेरियस ट्रीज, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, ये तो आसानी से हो जाएगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फ्रॉम देयर स्टार्टेड ए जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल टुवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन, अ मिशन टू रेज एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल विथ लव एंड केयर एंड एज देअर ओन चिल्ड्रन। देखो ये छोटा सा सेंटेंस आपको दिया गया है, है ना, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्शन इन द लेसन दैट टॉक्स अबाउट थिमक्काज। ओके, क्या डिस्क्रिप्शन है थिमक्का के बारे में, जैसे अनटायरिंग लव है, नेक्स्ट है एम्बिशियस एंड अनकॉमन मिशन, सेल्फ एंड हर हस्बैंड एज ऑर्डिनरी कपल, सेल्फलेस सर्विस। ओके, तो इसको आप लोगों को जो आपका 4 वर्ड दिया हुआ है या फ्रेज बोल सकते हो, उसको लेके आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अनटायरिंग लव, अनटायरिंग लव मतलब अथक प्यार, है ना, अथक प्यार। तो उसको लेके आप लोग क्या सेंटेंस बना सकते हो, दे ट्रीटेड द सैपलिंग्स विथ लव एंड केयर एज देयर ओन चिल्ड्रन। ओके, वे जो नन्हे पौधे लगाए थे उनकी देखभाल कैसे करते थे, उनको ऐसे प्यार करते थे जैसे उनके अपने बच्चे हैं। ओके, नेक्स्ट है एम्बिशियस एंड अनकॉमन मिशन, उनका असाधारण लक्ष्य क्या था, दे प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल एंड टूडे इट्स वैल्यू इज मोर देन 1.5 मिलियन रुपी, ठीक है। उन्होंने कितने पेड़ लगाए थे, 300 से भी ज़्यादा पेड़ लगाए थे, और उनकी कीमत क्या है आज की डेट में, 15 लाख से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ एंड हर हस्बैंड एज ऑर्डिनरी कपल,
ठीक है, वह और उसके पति जो है एक साधारण दंपत्ति है। तो क्या लिखोगे, बोथ वेयर इलिटरेट बट अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस फॉर ट्रीज मेड देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भले ही वो ऑर्डिनरी थे, भले ही वो साधारण थे, लेकिन उनके जो निस्वार्थ सेवा है उनको असाधारण बना दिया। ओके, तो ये चीज़ हम लोग को लेसन में सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस मतलब निस्वार्थ सेवा, ठीक है। इवन हर इकोनॉमिक क्राइसिस डिड नॉट स्टॉप हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब वो भले ही गरीब थी, है ना, आर्थिक मंदी से वो गुजर रही थी, लेकिन उनके जो जुनून थे मानव के लिए अच्छे कार्य करने के, वो कभी नहीं रोके। ओके, तो बस आज दो ही क्वेश्चन डील करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।